दोस्तों नमस्कार, प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी स्टॉक की है फेस वैल्यू 10 और यहां पर 10 के हिसाब से या तो एक शेयर पे 5 शेयर आप लोगों को मतलब सब डिविडेंड मिल सकता है, मतलब स्टॉक स्प्लिट, या एक शेयर पे 10 शेयर मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी प्रकार से देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के दो दिग्गज प्लेयर IRACTC और एफिलेट इंडिया, इन्होंने भी दोस्तों इसी प्रकार से अपना डिविडेंड सब डिविडेंड घोषित किया है। अब ये कंपनी उसके बात करने जा रही है, ये कंपनी भी पीछे क्यों रहा है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में एक अकेला ही दिग्गज स्टॉक है उस सेक्टर का जिसको पूरा फायदा मिल रहा है दोस्तों इस न्यूज़ का, और साथ में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर का भी, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो वो जो स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के टाइम पे, वो हम आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारी प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल पे दोस्तों एक स्विंग ट्रेड का बेहतरीन वीडियो अपडेट हो चुका है, और आज इवनिंग में दोस्तों आप लोगों के लिए हम इंट्राडे की टिप्स वाला वीडियो भी उसी चैनल पे अपडेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट गुरु चैनल पे जो वीडियो आते थे वो हमने अब शिफ्ट करके वहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा और ईजिली तरीके से उन दोनों ही वीडियो को वॉच करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, सबसे पहले हम उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखने। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंज पे कंपनी आपको लिस्टेड मिलेगी। कंपनी के मार्केट कैप की अगर मैं बात करता हूँ तो 46,632 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बहुत शानदार। PE अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब जो उसकी वैल्यू की, तो वो भी बहुत सस्ती देखने को मिल रही है, ठीक है, 14.2 की, बहुत इंटरेस्टिंग है। रिटर्न ऑन एम्प्लॉय 26.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.6%, और बुक वैल्यू ये थोड़ा महंगा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे मोमेंटम बढ़ेगा तो ये स्टॉक हमें वैसे ही प्रॉफिट अच्छा दे देगा। करेंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो 52 बिक का है, 52 बिक का लो देख सकते हो, और फेस वैल्यू देख सकते हो, ये देखने को हमें मिल रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ हम कंपनी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें जानते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी इज रिडक्ट डेट, ठीक है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर जाए, ठीक है। कंपनी का जो डिविडेंड देने का फंडा है, मतलब डिविडेंड पे आउट करने का, वो बहुत शानदार है, यहाँ परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हो। कंपनी का इम्प्रूवमेंट देख सकते हो 90 दिन से लेकर दोस्तों 171 दिन के बीच में रहता है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। नेगेटिव न्यूज़ एक छोटा सा ही है, द कंपनी इज डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, मतलब कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पास्ट 5 ईयर में थोड़ा सा कम रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे लिए बाद में आगे जब कंपनी का मोमेंटम आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ेगा तो सेल्स ग्रोथ में भी हमें फर्क देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर हम फोकस करते हैं, ठीक है, कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, कंपनी हर 3 महीने में किस प्रकार से अपना परफॉर्मेंस दे रही है, तो आप देखिएगा सितंबर 2018 में कंपनी ने 2610 करोड़ की सेल्स की थी, दिसंबर क्वार्टर में 4425 करोड़ की सेल्स, मार्च 19 में ये सेल्स ग्रोथ पहुंच जाती है दोस्तों 10154 करोड़ पे, ठीक है। फिर नीचे आ जाती है, आप देखेंगे नीचे घूमती है, मार्च 20 में फिर बढ़ जाती है, मतलब मार्च के महीने में कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम बिल्ड हो जाता है, फिर यहाँ पर पेंडेमिक के कारण थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर फिर बढ़ जाता है, और मार्च में फिर एक बार कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो एकदम शानदार देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो हमें प्रॉफिट का जो सिनेरियो है वो मार्च के महीने में ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये मार्च में ही देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मोमेंट हमें इसको लॉन्ग टर्म में कैप्चर करने में मज़ा आएगा, ठीक है। अगर हम सालाना तौर पर देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कि पूरे साल भर में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस किया, तो देखिए मार्च 2016 में पूरे साल भर में कंपनी ने 16,758 करोड़ की क्या की है, सेल्स की है। मार्च 17 में अगर देखेंगे तो 17,950 करोड़ की, 18 में देखिए, 19 में देखिए, ठीक है, 20 में देखिए और 22 में, मतलब हर साल कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों वो बढ़ते आ रहा है, तो हमारे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की अगर रेशियो की हम बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट रेशियो भी यहाँ पर कम हुआ था लेकिन यहाँ से फिर बढ़ने लगा, और आप देखिए, और EPS 55.44 रुपये का EPS पूरे साल भर का था, और यही EPS अब 96 रुपये दोस्तों 88 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। साथ में अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, शेयर होल्डर में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो
ठीक है, यहाँ पर 75.15% का स्टेक प्रमोटर्स का है। अभी छोटा सा, जब आपको पता है कि सेबी का नियम है 75-25 का, तो जो 0.15% का स्टेक है उसके लिए ऑफर फॉर सेल लाना पड़ेगा। FII का भी अभी छोटा सा स्टेक है क्योंकि अभी ही उन्होंने उठाना चालू किया है। यहाँ से आप देख सकते हो DII तो बहुत अच्छी तरीके से स्टेक लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़ोरदार देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ना दोस्तों, उस सेक्टर का मूवमेंट अगर आप देखोगे ना तो बहुत शानदार देखने को मिलता है। तो चलिए इसकी ऑफिशियली PDF के ऊपर चलते हैं, क्या हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये ऑफिशियली PDF है जो हमने एक्सचेंज पे से डाउनलोड कर लिया, BSE एक्सचेंज पे। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन ट्यूजडे, ठीक है, उस दिन ट्यूजडे है 21 सितंबर को इनका दोस्तों AGM देखने को मिल रहा है, ठीक है। AGM के दिन सब डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। ये दोस्तों सब डिविडेंड हो सकता है कि आपको एक शेयर पे 5 शेयर दे दें, एक शेयर पे 10 शेयर दे दें, या एक शेयर पे 2 शेयर दे दें। जहाँ तक है दोस्तों, आपको एक शेयर पे 5 शेयर मिलेंगे, ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। हर कंपनियों की जो फेस वैल्यू है, ठीक है, वो टूट के लगभग 2 रुपये पे आ रही है। एक मौका और कंपनियां अपने पास अभी बचा रही है, ठीक है। तो अधिकतर यही देखने को हमें मिल रहा है, तो आप जरूर इस कंपनी पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये कंपनी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से रिटर्न देने वाली है। अभी हम बोल रहे हैं दोस्तों कि खरीद लीजिए, अभी आप लोगों के पास मौका है, इस स्प्लिट का फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही स्प्लिट हमें दोस्तों फ्यूचर में काफ़ी शानदार तरीके से रिटर्न देने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम जिस कंपनी की बात करें उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा लोगो आप लोगों के सामने आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, फ्लक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा इनके प्रोडक्ट का, मतलब जो विमान से ये बनाती है डिफेंस में, ठीक है, जो प्रोडक्ट ये बनाती है ये आपके पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी से दोस्तों आगे हमें बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, खास करके अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट को अभी आपको पता है डिफेंस सेक्टर में हर चीज़ यूज़ होती रहती है। अभी तो गवर्नमेंट ने, अभी आपने देखा होगा कि ड्रोन के लिए भी बहुत सारे नियम लागू कर दिए, ठीक है। तो ड्रोन भी अभी इंडियन आर्मी में क्या होने जा रहा है दोस्तों, शामिल होने जा रहा है, ठीक है। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो और भी वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस कंपनी को उस चीज़ से बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, जिसे हम हाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका नाम पूरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज़ का बहुत हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अगर हम स्टॉक का परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो देखिए 1% की तेज़ी के साथ स्टॉक 1394 रुपये पर क्लोज हुआ है, ठीक है। स्टॉक ओपन होता है यहाँ पर 1430 रुपये, सेम वही प्राइस का हाई लगाता है और वो गिर जाता है, ठीक है। उतना कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर देखें तो स्टॉक का जो 52 बिक का हाई है वो 1475 रुपये का है, सॉरी 1457 रुपये का, और जो 52 बिक का लो है वो है दोस्तों 658 रुपये का, ठीक है। लास्ट 5 दिन में देखेंगे स्टॉक में हल्की सी तेजी है, लास्ट 1 महीने में स्टॉक में 29% की तेज़ी आ चुकी है, लास्ट 6 महीने में स्टॉक में 32% की तेज़ी आई है, और वो तेज़ी का सिलसिला यहाँ से ज़्यादा चालू हुआ है। लास्ट 1 साल में देखेंगे स्टॉक ने 56% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी मार्केट में 2018 से आई है दोस्तों, और मोमेंटम मिलना उसको अब चालू हुआ है इस लोअर लेवल से, ठीक है। तो जिसके लिए हमें फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी बताया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक बोर्ड टू कंडीशन स्टॉक टू स्प्लिट सितंबर 1, मतलब उस दिन अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार के विमान ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसका यही काम है। एक अपने बोल सकते हो दोस्तों कि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है, और इसका तो इम्पैक्ट हमें बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए। तो ज़रूर दोस्तों आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक पे अपना फोकस करिए, अपने खुद की भी स्टडी करिए, आपको अच्छा लगता है तो ही इन्वेस्टमेंट करिए, अदरवाइज़ आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था अपडेट, ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इसी प्रकार के दोस्तों मार्केट अपडेट, इंट्राडे की टिप, स्विंग ट्रेड के स्टॉक, ये आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।